हेलो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है पबजी लाइट के कुछ ऐसे खतरनाक काले सच मतलब बग्स एंड ग्लिचेस के ऊपर। तो ये वीडियो मैं बनाने नहीं वाला था, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं मतलब जो अभी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है कि मतलब ये बंदा इससे बेचते हैं। आजकल मतलब 1v1 का ट्रेंड चल रहा है, तो मतलब हर कोई मतलब ये बंदा 1v1 बीस्ट है, ये बंदा गॉड है, मतलब ये सब चीज़ चल रहा है। तो मतलब वो सब चीज़ मेरे को ख़राब लग रहा है दिल से, तो ये वीडियो बनाना। मोस्टली इधर कंपैरिजन किस हिसाब से होता है कि मतलब 1v1 एक बंदा एक दूसरे बंदे के साथ किया, तो मतलब एक बंदा हार गया तो दूसरा बंदा ज़्यादा बेस्ट है, वही आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन असल में वो चीज़ नहीं है। देखो इधर डिवाइस मैटर करता है। हाँ, तो डिवाइस जिसका डिवाइस जिस टाइम पे 1v1 चल रहा है या 5 चल रहा है, तो जिसका डिवाइस ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया उस बंदे का जीतने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी देखो मैं उसका भी मतलब कुछ ट्रूथ अभी आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। और वीडियो का मेन मुद्दा स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, भाई मैं ना तुषार का फैन हूँ, ना डेस्मन का फैन हूँ, और ना ही मैं तुषार का हेटर हूँ, ना डेस्मन का हेटर हूँ, या किसी भी XYZ का फैन या हेटर हूँ। मैं किसी का फैन भी नहीं हूँ, हेटर भी नहीं। तो देखो सीन बहुत क्लियर है कि मतलब इधर देखो पबजी लाइट में ऐसा मतलब बग्स है। मतलब देखो तुम अगर इधर एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करके मतलब हेडशॉट अगर ठीक करोगे ये सब करोगे तो, लेकिन फिर भी मतलब तुम्हारा डिवाइस मैटर करेगा। क्योंकि देखो तुम इधर पबजी लाइट में तुम अगर हेडशॉट मारते भी हो ना अपने से, हेडशॉट मारते भी हो, तो मतलब तुम्हारा डिवाइस अगर उस टाइम पे हीट हो रहा है या कुछ हो रहा है, परफॉर्मेंस अगर लो हो रहा है, तो मतलब अपने आप तुम्हारा हेडशॉट बॉडी शॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं ऐसे ही फेक के नहीं बोल रहा हूँ, इसका मैं प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। तो देख, तो इधर इस क्लिप में मैंने इस बंदे को मारा था हेडशॉट, और प्रॉपर हेडशॉट मारा था, कुछ ऐसा नहीं था मतलब इधर उधर नहीं था, एनिंग डायरेक्ट प्रॉपर हेडशॉट था, लेकिन हेडशॉट कनेक्ट नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ बताओ, मेरे को बताए। मैं उस टाइम पे खेल रहा था भाई, उस टाइम पे मेरा फ़ोन हीट भी हो रहा था और परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो चल रहा था फ़ोन का। तो देखो ये सीन पबजी लाइट में बहुत होता है, और आपको ये सीन मतलब समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आप लोग को दिखा रहा हूँ स्लो मोशन में, देख लीजिए। अभी तो ध्यान से देख लिया होगा कि जब बुलेट रिलीज हुआ था गन से, तो तब मेरे क्रॉस हेयर का जो डॉट था, तो वो डॉट उसके डायरेक्ट हेड पे था, प्रॉपर हेड पे, फिर भी बंदे को हेडशॉट कनेक्ट नहीं हुआ। और इसका मैं एक ही बार नहीं हुआ है मेरे साथ, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं रिकॉर्डिंग जब करता हूँ तो मतलब स्नाइपर लेके इधर उधर घुसता हूँ, लेकिन हेडशॉट मारते वक्त भी हेडशॉट मेरा लगता नहीं है, क्योंकि ये देखो पबजी लाइट का कुछ ऐसा इशू चल रहा है। तो आप लोगों को मैं एक और क्लिप दिखा रहा हूँ इसी के रिलेटेड, तो देख लो ध्यान से देखना, इस बार डायरेक्ट मैं स्लो मोशन में ही दिखा रहा हूँ। और इस क्लिप पे भी सेम चीज हुआ, क्रॉसहेयर उसके हेड पे था, मतलब क्रॉसहेयर का जो डॉट था उसके प्रॉपर हेड पे था, लेकिन बुलेट रिलीज हुआ भी उसके मतलब हेड पे ही था, लेकिन कनेक्ट कहाँ पे हुआ, गर्दन पे हुआ। अगर आप लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है तो आप फिर से रिवाइंड करके आराम से देख सकते हो, और ज़्यादा स्लो मोशन करके यूट्यूब पे वो फैसिलिटी है, तो देख लो। तो देखो इसके बारे में और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। देखो ये सब मतलब जो चलता है ना 1v1 फाइटिंग सीन, सब कुछ टीम डिवाइस और मतलब डिवाइस का परफॉर्मेंस पे मैटर करता है, आप मानो या ना मानो। तो वही चीज़ है मतलब कंपैरिजन वगैरह मत करो, वही ठीक है, बाकी भाई हर कोई अपने अपने हिसाब से बेस्ट ही है। तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, और मिलता हूँ एक नए मोंटाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, हंसते रहो, आवाज़ रहो, टाटा।